नमस्कार, आज हम आपको एक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जिसे अर्थ कॉम्पैक्टर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे धुम्मस कहा जाएगा। कोई भी सरफेस को कॉम्पैक्शन करने के लिए इसे वापरा जाता है। ये जो अर्थ कॉम्पैक्टर की कैपेसिटी है, ये है 4 टन। इसको जो चलाता है वो है होंडा का GX160 4 HP का 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अगर आपको पेट्रोल नहीं यूज़ करना है तो आप इसके जगह ग्रीव्स का, लोम्बार्डिनी का 5 HP डीजल इंजन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने इसे फिट किया है वो है होंडा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। कॉम्पैक्टर को इधर उधर मूव करने के लिए उसके साथ ये दो चक्के आते हैं जिसको हम लोग यहाँ फिट करके उसको इजीली मूव कर सकते हैं। जब हमें साइट पे इसे यूज़ करना है तो वो चक्के निकाल लेना है। अब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे। सबसे पहले हमें इंजन को स्विच ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल को ऑफ दिया है उसे ऑन करना है। ये जो उसका चोक है उसे देना है, ऑन करना है, और यहाँ से हमें रस्सी को पुल करना है। यहाँ पे हमने इंजन के साथ क्लच पुल्ली लगाई हुई है। जनरली सब लोग सादी पुल्ली लगाते हैं, हम लोगों ने क्लच पुल्ली लगाई है। जहाँ पे इंजन पे लोड इसका इनिशियली कम आता है, जब आप स्पीड बढ़ाओगे तब वो उसको वाइब्रेशन देगा। ये अभी हमने ऑन करना है, हल्के हाथों से ऑन करना है। ऑन हो गया, आप देख सकते हो ये पुल्ली मूव नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग इसका चोक चोक पहले नॉर्मल कर देना है और यहाँ से एक्सीलेटर देना है। ये एक्सीलेटर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पुल्ली घूमना चालू हो गई और ये आपका कॉम्पैक्टर वर्किंग चालू हो गया। एक्सीलेटर अगर हम लोग कम कर देंगे ये एक्सीलेटर पूरा कम कर दिया हमने तो इसका कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन कम हो गया। जैसे हमने एक्सीलेटर बढ़ा दिया ये आप देख सकते हो फुल फ्लेज में कॉम्पैक्शन चालू हो गया और